हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर क्लासेस। आज हम सब देखेंगे चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12th के क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम सब पढ़ रहे हैं अवकलज के प्रयोग। क्या पढ़ रहे हैं? अवकलज के प्रयोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, मतलब जो गुब्बारा है वह गोले के रूप में है, कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या क्या है? परिवर्तन सील है। त्रिज्या हमेशा बढ़ रही है या घट रही है, ठीक। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ज्ञात क्या करना है। सीधा कह रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष कहा जा रहा है, सीधा त्रिज्या के परिवर्तन आयतन के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि आर बराबर आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर। अब हम यहां से क्या करते हैं कि हम जानते हैं गोले का आयतन वी बराबर 4/3 और पाई आर क्यूब। गोले का आयतन वी बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो हम आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं। आर के सापेक्ष अवकलन, आर के सापेक्ष अवकलन तो हो जाएगा डीवी बटा में डी आर इज इक्वल टू यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब के सापेक्ष आर का अवकलन हो जाएगा 3 आर स्क्वायर। जितनी पावर उतने का गुणा, पावर में से एक घट गया, 3 से 3 कटा और हमारे पास हो गया 4 पाई आर स्क्वायर है। आर का मान कितना है? 10 × 10 तो 10 × 100 और 100 × 4 400 तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। और यही हमारा क्या है कि आयतन के परिवर्तन की दर। आयतन की क्या है? परिवर्तन की दर। तो त्रिज्या के सापेक्ष जो आयतन है वह 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से क्या कर रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर